आणि यानंतर खासदार संजय राऊत बोलत आहेत, जाऊया थेट। आंदोलन करतायत आणि संघर्ष करतायत, ते आपल्या घरी जाऊ शकले नाही। आणि हा जो हिंदू आक्रोश मोर्चा काढला, तो जर मोर्चा त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान जो महाराष्ट्रात झाला, जे हिंदवी स्वराज्य संस्थापक हिंदू रक्षक शिवाजी महाराजांचा अपमान जो महाराष्ट्रात राज्यपालांनी केला, तेव्हा या मोर्चेकरांच्या तोंडामध्ये बुचका बसला होता, हा एक प्रश्न आहे। शिवाजी महाराजांचा अपमान चालतो, तिथे हिंदू आक्रोश नाही यांचा, बरोबर ना? काश्मीरच्या बाबतीत हिंदू आक्रोश नाही, राम भक्तांवर गोळ्या चालवणाऱ्या मुलायमसिंग यादव यांना मोदींचं हिंदुत्ववादी सरकार पद्मविभूषण हा किताब देऊन गौरव करतं, वीर सावरकर आणि हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा सन्मान नाही। या सगळ्या मुद्द्यांवर कदाचित हा हिंदू आक्रोश मोर्चा काढला असेल, त्याच्यामुळे हा मोर्चा जो निघाला हा नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या भूमिकेच्या विरुद्ध निघाला, आणि त्याबद्दल मी मोर्चेकऱ्यांचं अभिनंदन करतो। बोला ना, अभि बताइए। हाँ, भाजपा नेता का कहना है कि ये भाजपा का नहीं है, लव जिहाद के अगेंस्ट। नहीं नहीं, भाजपा ही मोर्चा। आप देखिए ना, नेतृत्व कौन कर रहे थे आप देखिए ना, खाली यूनिफॉर्म बदला था, बाकी वही लोग थे। सर, शिवसेना के चिन्ह के ऊपर आज मैं एक सवाल का जवाब अब तक मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैं दे रहा हूँ। देखिए, जो मोर्चा निकला है कल जन क्या हिंदू जन आक्रोश, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलती हुई है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये मोर्चा किसके खिलाफ है और कौन निकाल रहा है। लगता है ये मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता प्रखर हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ निकाला है। क्या देश में जो आक्रोश है हिंदुओं का, वो अगर सचमुच है तो सरकार किसकी है देश में? प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार मोदी जी की और अमित शाह जी की है। तो आप जाकर देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। आज भी हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी है, उनका टारगेट किलिंग जारी है। क्या इसलिए मोर्चा निकाला? राम भक्त कर सेवक, उनके ऊपर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव जी को जिस तरह से सम्मानित किया पद्म विभूषण से, क्या उसके खिलाफ ये आक्रोश मोर्चा था? वीर सावरकर को और बाला साहब ठाकरे जी को भूल गई सरकार एक बार, क्या उनके खिलाफ ये आक्रोश मोर्चा था? महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज्य संस्थापक हिंदू रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया राज्यपाल ने, और सरकार ने कोई एक्शन नहीं ली राज्यपाल के खिलाफ, क्या ये आक्रोश मोर्चा हिंदुओं का छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के खिलाफ था? अगर है तो मैं इस मोर्चा का स्वागत करता हूँ, और जो हिम्मत दिखाई ये मोर्चे वाले ने मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ जन आक्रोश करने का, उनका स्वागत करता हूँ। और फिर एक बार मैं बताऊँगा, ये मोर्चे वाले शिवसेना भवन के सामने आकर खड़े रहे तो उनको लगता है आज भी हिंदुत्व का एकमेव आशा स्थान शिवसेना भवन ही है। बोलिए सर, आपने धर्म की बात की, यूनियन मिनिस्टर टीआर बालू ऐसे कहते हैं अगर मेरे लीडर्स को कोई हाथ लगाएगा तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। ठीक है, वो छोड़ दो। क्या पद्धति ने बोल में आज दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गई है, आज ऑर्डर आने की संभावना है क्या? हम वेट कर रहे हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि न्याय होगा, और हमें विश्वास है कि कानून न्याय और संविधान की मद्देनजर सब कुछ देखते हुए न्याय हमें मिलेगा। आम्हाला खात्री आहे की न्याय आणि कायदा आणि देशाचं संविधान याचं पूर्ण पालन करून निवडणूक आयोग हा निकाल देईल। सर, शिक्षक पदवीधर मतदारसंघामध्ये तर शिवसेना खासदार संजय राऊत सध्या बोलत होते आणि पत्रकारांशी संवाद साधताना यावेळी त्यांनी हिंदू जन आक्रोश मोर्चा बघायचा असेल तर काश्मीरला जा असं म्हटलेलं आहे। कालचा मोर्चा हा मोदी यांच्या विरोधात काढलेला होता का असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलेला आहे। राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवरायांचा अपमान केलेला होता आणि त्याच्या विरोधात हा मोर्चा असेल तर या मोर्चाचं स्वागत आहे असं देखील यावेळी त्यांनी म्हटलं आहे।